माननीय श्री सकलदीप राजभर जी, माननीय उपसभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। माननीय महोदय जी, यह खनिज और विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 को जो हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है, यह विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। माननीय महोदय जी, खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाले इस विधेयक से खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन हो जाएगा। विधेयक के अनुसार 29 खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें सोना, चांदी, कांसा, कोबाल्ट, निकल, सीमा, पोटास और राख, फास्फोरस शामिल है। अभी हमारा देश ज़्यादातर खनिजों के आयात पर निर्भर है। प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस महत्वपूर्ण और गहरे खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। यह विधेयक काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की संस्थाओं को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस देना है। इसके अलावा यह केंद्र सरकार को विशिष्ट महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित खनन पट्टों और मिश्रित लाइसेंस के लिए नीलामी आयोजित करने का विशेष अधिकार भी प्रदान करता है। इस विधेयक के कानून बनने के लिथियम जैसे क्रिटिकल खनिजों के खनन में निजी क्षेत्र को बोली लगाने और खनन की अनुमति भी मिलेगी। माननीय महोदय जी, इस विधेयक में निजी क्षेत्र को 12 प्रमाण खनिजों में से 6 के खनन की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा अधिनियम के तहत सभी 12 प्रमाण खनिज सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खनन और अन्वेषण के लिए आरक्षित है। निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने वाले प्रमाण खनिज लिथियम की माइन इसलिए भी अहम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य ऊर्जा भंडारण उपकरणों में बैटरी के निर्माण में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुलने पर देश में एक खनिजों की खोज और खनन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह विधेयक खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव भी लाएगा। पहले देश कोयले के लिए आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर था, लेकिन अब कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थिति बदल गई है और हो सकता है कि भविष्य में भारत को कोयले के आयात पर किसी भी देश पर बिल्कुल भी निर्भर न रहना पड़े। इस विधेयक को भारत की शुद्ध जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। निजी क्षेत्र की खोज के लिए खोले जाने वाले प्रमाण खनिज लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य ऊर्जा भंडारण और बैटरी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इन खनिजों के अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी में भी विभिन्न अनुप्रयोग है। उक्त सूची में उससे इस खनिजों को हटाने पर इन खनिजों की खोज और खनन निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। नतीजतन देश में इस खनिजों की खोज और खनन में काफ़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके प्रमुख परिणामों में से एक 1 बिलियन टन कोयले का विशाल उत्पादन है, जो भारत को ऊर्जा देने में, आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। माननीय महोदय जी, भारत में खनन और खनिज क्षेत्र के भविष्य को एक ठोस आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और इसलिए मैं केंद्र सरकार द्वारा यह विधेयक हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लाया गया है। यह एक क्रांतिकारी विधेयक है। इस विधेयक से देश के खनन क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा और यह एक गेम चेंबर साबित होगा। इसके अलावा माननीय मंत्री जी से एक मैं सुझाव जोड़ने के लिए, कुछ लोगों के एक्वायर की गई जमीनें
जमीनों का मुआवजा भी जनता को मिल दिलाने हेतु नया कदम उठाने के लिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूँ और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सकलदीप राजभर जी। माननीय मंत्री जी का जवाब। सर, मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। 11 मान्य सदस्यों ने इसमें